दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शूमेकर की है जो बूढ़ा हो गया था और इस वजह से वो अब ठीक से जूते नहीं बना पा रहा था। लेकिन वो ईमानदार और मेहनती था और दूसरों को मदद करने में उसे हमेशा खुशी मिलती। ऐसे ही एक बार उसने एक बीमार एल्फ की मदद की, जिसके बदले उस एल्फ ने उसे एक अनोखा तोहफा दिया। क्या था वो तोहफा, ये जानने के लिए तो आपको ये कहानी अंत तक देखनी पड़ेगी। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठंडियों का मौसम था, बर्फीली हवाएं चल रही थी, पूरा गांव मानो जैसे सुस्त हो गया था। ठंडियों के इस मौसम में उस गांव के लोग अक्सर जल्दी सोया करते थे। अरे, ये किसका घर है? इसके खिड़की में से तो अभी भी रोशनी आ रही है। अरे हाँ, ये तो जूते बनाने वाले जॉनी का घर है, बेचारा अभी भी काम कर रहा है। जॉनी, आप बस भी करो, पूरी रात काम ही करते रहोगे क्या? बस आ ही रहा हूँ मारिया, जरा इस जूते की ठीक से सिलाई तो कर दूँ। क्रिसमस का दिन नजदीक आ रहा है, इन्हें बेचकर थोड़े पैसे मिल जाए तो शायद इस साल का क्रिसमस तो हम ठीक से मना पाएंगे। दिन भर काम करते रहते हो, थोड़ा आराम भी तो मिलना जरूरी है। अब हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं जॉन, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि जब जॉन एक दिन में चार जोड़े जूते बनाया करता था, और एक आज का दिन है कि चार दिन में एक जोड़ा जूता बनाना भी उसे मुश्किल हो रहा है। अरे जॉन, हैप्पी क्रिसमस, बड़े दिनों बाद आए, क्या आजकल तुमने जूते बनाना छोड़ दिया? ऐसी बात नहीं है रिची, बुढ़ापे की वजह से अब हाथ पहले जैसे काम नहीं करते। अरे वाह, क्या बढ़िया जूते हैं, तुम वाकई में बड़े अच्छे कारागिर हो जॉन। काश मेरी भी ऐसी ही जूतों की दुकान होती। ओह, आज तो बहुत ही ठंड है, घर जाकर मारिया के हाथों से बना हुआ गर्मा गर्म सूप पीऊंगा। वो क्या है, जरा पास जाकर देखता हूँ। अरे, ये कौन सा अजीब प्राणी है? तुम तो बहुत बीमार हो और तुम्हें चोट भी लगी है। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ, वो मुझे ढूंढते आते ही होंगे। ओह, तुम तो हमारी भाषा बोल रहे हो। हाँ, मैं एक एल्फ हूँ, भेड़ियों के एक झुंड ने हम पर हमला किया था। मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लग रही होगी। एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म सूप पिलाऊंगा। तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे और तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। जॉन और मारिया ने उस एल्फ की बड़े ही अच्छे से देखभाल की, उसे गर्मा गर्म सूप पिलाया, उसे नए गर्म कपड़े दिए और सोने के लिए एक छोटा सा और मुलायम बिस्तर भी। ओह, ये कितना प्यारा है। ठीक है मारिया, अब उसे सोने दो, मैं भी थोड़ा काम कर लेता हूँ। क्या तुम आज भी पूरी रात जागने वाले हो? कल क्रिसमस ईव है जॉन, कम से कम आज तो आराम करो। काम तो करना ही पड़ेगा ना मारिया, अगर जूते नहीं बनाऊंगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा। थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो जॉन। घबराओ मत मारिया, मैं ठीक हूँ, जाओ अब तुम भी जाके सो जाओ। गुड नाइट नन्हे फरिश्ते, अब मैं भी सोने जा रहा हूँ।
ओ, तो यहाँ पर हो तुम। कीवी, कीवी, अब उठ भी जाओ। देखो, हम तुम्हें लेने आए हैं। ओ मिकी, मेरे दोस्त, आखिर तुम मुझे ढूंढते हुए आ ही गए। हाँ, अब जल्दी चलो यहाँ से, कहीं ये लोग जाग ना जाए। सुना है कि इंसान बहुत ही डरावने होते हैं। अरे नहीं मिकी, तुमने गलत सुना है। इन लोगों ने तो मेरी अच्छे से देखभाल की है, बस इनकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। हमें भी इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। मदद? लेकिन हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं? बुढ़ापे की वजह से अब जॉन पहले जैसे जूते नहीं बना पाता, और जूते बेचकर ही वो अपना गुजारा कर सकता है। अच्छा, तो क्यों ना हम उसे ढेर सारे जूते ही बना कर दे। ये तो बड़ी ही मजेदार कल्पना है। चलो फिर, लग जाओ सारे काम पे। जूते 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 जूते, रंग बिरंगी जूते, आओ मिलके हम बनाए रंग बिरंगी जूते। छोटे जूते, मोटे जूते, ठेंगे और ऊंचे, हर प्रकार के, हर आकार के हम बनाए जूते। हो बारिश या हो ठंड, हो तूफान या हो प्रलय, हर मौसम में चलने वाले, हर दर्द को सहने वाले, चाहे जितनी मुश्किल आए पर कभी ना रुक ना पाए। जूते 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 जूते, रंग बिरंगी जूते, आओ मिलके हम बनाए रंग बिरंगी जूते। चलो कीवी, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, मैं बस अभी आया। चलो, अब हम निकल सकते हैं। जॉन, जॉन, जल्दी बाहर आओ, जल्दी। क्या हुआ? इतने सारे जूते, ये कैसे हुआ? मारिया, हम सपना तो नहीं देख रहे? आपकी उदारता और सौजन्य की मैं भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन ये एक छोटा सा उपहार हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। शायद इससे आपको थोड़ी मदद मिले। हैप्पी क्रिसमस, आपका कीवी। हाँ? ओ कीवी, मेरे प्यारे कीवी, ये सच में बहुत बड़ा तोहफा है। मैं इन जूतों से अपनी खुद की दुकान शुरू कर सकता हूँ। और इस तरह से जॉन और मारिया के लिए क्रिसमस का वो दिन बड़ा ही यादगार रहा। जल्द ही जॉन ने अपने जूतों की दुकान शुरू की। उसे अब खुद जूते बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसने अपनी दुकान में 4 कारीगर भी रख लिए थे। जॉन द शू मेकर की दुकान बहुत ही मशहूर हो गई। जॉन और मारिया अपनी आगे की जिंदगी बड़े ही आराम से बिताने लगे। देखा दोस्तों, उन सब एल्फ ने मिलकर मारिया और जॉन को कैसा अनोखा तोहफा दिया। ये मारिया और जॉन के अच्छे स्वभाव का ही नतीजा था, जिसका फल उन्हें मिला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए। दोस्तों, एक बार एक चूहे ने शादी करने की ठान ली, मगर वो दुनिया के सबसे बलवान और शक्तिशाली व्यक्ति की बेटी से ही शादी करना चाहता था। क्या चूहे की ये शादी हो पाई? और अगर हाँ, तो किसके साथ? जानने के लिए हमारी ये कहानी जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार एक जंगल में शेर की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो रही थी। जंगल के सभी प्राणियों को शादी में बुलाया गया था, सिर्फ एक छोटे से चूहे को छोड़कर। शेर उसे अपनी शादी में बुलाना भूल गया था। इस बात को लेकर वो चूहा बड़ा ही नाराज हो गया। ये शेर तो बड़ा ही घमंडी निकला। मुझे शादी में ना बुलाकर उसने मेरा अपमान किया है। मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। मैं भी शादी करूंगा। हाँ हाँ, मैं भी शादी करूंगा।
बड़ी ही धूमधाम से करूंगा और उस शादी में शेर के अलावा सभी प्राणियों को न्योता दूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। चूहे ने शादी करने का फैसला कर लिया और वो अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने निकल पड़ा। हाँ, शादी तो कर लूं, मगर किसके साथ? मैं किसी ऐरे गैरे से शादी नहीं करने वाला। मेरी दुल्हन तो उस घमंडी शेर की दुल्हन से भी सुंदर और शक्तिशाली होनी चाहिए। दुल्हन की खोज को लेकर चूहा चिंतित हो गया। वो सोच रहा था कि भला इतनी सुंदर और शक्तिशाली दुल्हन उसे कहाँ मिलेगी। ये सोचते सोचते वो चल ही रहा था कि उसकी नजर आसमान की तरफ गई। उसने देखा कि ऊपर आसमान में सूरज भगवान बड़े ही आराम से जूस पीते हुए लेटे हैं। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। सूरज भगवान तो सबसे शक्तिशाली है, क्यों ना मैं उनकी बेटी से ही शादी कर लूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। उनकी बेटी सुंदर भी होगी और शक्तिशाली भी। चूहा एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए बैठ गया और सूरज भगवान की आराधना करने लगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूरज भगवान को आश्चर्य हुआ कि भला एक नन्हा सा चूहा उनकी आराधना क्यों कर रहा है। वे चूहे के सामने प्रकट हुए। बोलो नन्हे से चूहे, तुम मेरी आराधना क्यों कर रहे हो? भगवान, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने ये प्रण किया है भगवान कि मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की लड़की से ही शादी करूंगा, और आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, इसलिए मैं आप ही की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सूरज भगवान सोच में पड़ गए, भला एक चूहे से वे अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकते हैं? ये चूहा तो पागल हुआ लगता है, भला मेरी बेटी और इससे शादी करेगी? किसी भी तरह से इससे छुटकारा पाना ही होगा, मगर कैसे? तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। वे बोले, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तीनों लोकों में ढूंढने पर भी तुम्हारे जैसा दूल्हा मेरी बेटी को नहीं मिलेगा। सूरज की ये बात सुनकर चूहा मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसके मन में शादी की शहनाइयां बजने लगी। सूरज भगवान की आवाज उसके कानों पर आती है। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे जरूर करवा दूं, मगर याद रहे, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो वो सफेद बादल है जो अपनी परछाई से मुझे भी ढक देता है। चूहा अब आसमान की तरफ उस सफेद बादल को घूरने लगा। क्या कहा आपसे? शक्तिशाली वो सफेद बादल है, तो मैं उसी की बेटी से शादी करूंगा। आप उसे नीचे बुलाइए। सूरज ने बादल को नीचे बुलाया। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली हो। चूहे को गुस्सा आया। वो बोला, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या ये रिश्ता आपको पसंद नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जैसा दूल्हा तो नसीब वालों को ही मिलता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता था कि मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो ये हवा का झोंका है जो अपनी एक फूंक से मुझे कोसों मैल भगा सकता है। अच्छा, ये बात है, तो फिर मैं हवा की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आप कृपया उसे यहाँ बुलाइए। फिर हवा को वहाँ पे बुलाया गया। हवा के सामने भी चूहे ने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। हवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो मेरा अहोभाग्य होगा, लेकिन महाशय, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो पर्वत है जो मेरा रास्ता रोक सकता है। आप उसी की बेटी से शादी कर लीजिए। चूहे को ये बात पसंद आई। उसके कहने पर पर्वत को भी वहाँ बुलाया गया। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्या आपको कोई एतराज है? अरे नहीं नहीं, भला मुझे क्यों एतराज होगा? पर आपको बता दूं, मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर आपसे भी शक्तिशाली और कोई है? हाँ है,
मेरे पर्वत के शिखर पर एक मोटा सा काला चूहा रहता है। वो इतना शक्तिशाली है कि मुझे भी अपने दांतों से कुरेड़ सकता है। उसने मुझे कुरेड़ कर मेरे पेट में एक बड़ा सा सुरंग बना दिया है और अपने परिवार के साथ वो वहाँ रहता है। आपको उसी के बेटी के साथ शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो मुझसे भी शक्तिशाली है। अगर ऐसा है तो फौरन मुझे उस मोटे चूहे के पास ले चलो, मैं उसकी बेटी से शादी करूँगा। इस तरह से सभी लोग उस मोटे चूहे के घर आ पहुँचे। मोटे चूहे ने सबका स्वागत किया। मोटे चूहे की बेटी जब उस नन्हे चूहे के सामने आई तो उसे देख नन्हा चूहा एकदम से लट्टू हो गया। वो उसे बहुत ही पसंद आई। उसकी आंखों में जैसे गुलाब के फूल खिल उठे। सबने उसके विवाह का प्रस्ताव उस मोटे चूहे के सामने रखा। उसने फौरन हाँ कर दी और फिर बड़े ही धूमधाम से उस नन्हे चूहे की शादी उस मोटे चूहे के बेटी से हो गई। देखा दोस्तों, आखिरकार चूहे की शादी किससे हुई? हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही होता है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। इसीलिए हमें अपनी असली क्षमताओं को पहचानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी को उसकी क्षमताओं से ना ही अधिक मिलता है और ना ही कम। अनोखी दौड़। एक बहुत बड़ा घना जंगल था जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला था, इसीलिए सारे पशु पक्षी बारिश के मौसम में लगने वाली पूरी सामग्री और खाने का सामान इकट्ठा कर रहे थे। पूरी लगन के साथ सारे अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन एक खरगोश जो बड़ा ही आलसी, कामचोर और नटखट था, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। अरे भालू दादा, लगता है आप बूढ़े हो गए हो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत काम बाकी है, बहुत ही धीमे हो आप। इसकी तो मैं टांग ही तोड़ देता हूँ। अरे जाने भी दो बल्लू, इस रिंकू की आदत ही है हर बार किसी की टांग खींचने की। अरे अप्पू दादा, आप इतने मोटे क्यों हो? थोड़ी ज्यादा मेहनत किया करो, फिर आप भी मेरी तरह होशियार और तेज हो जाओगे। कितने धीमे हो आप यार। क्या कहा तुमने, मोटा और धीमा? तुझे तो मैं। अरे अप्पू दादा, गुस्सा मत हो, ये तो बदमाश है, खुद काम करेगा नहीं और दूसरों को भी नहीं करने देगा। अरे बंदर भाई, आपका नाम बंदर किसने रखा? आपका नाम तो गधा होना चाहिए, क्योंकि आपकी अकल भी किसी गधे की तरह ही धीमी है। तुझे तो मैं पटक पटक के मारूंगा। ऐसा क्या, तो जरा मुझे पकड़ के तो दिखा, मैं तो तुझसे भी तेज हूँ। रिंकू दोस्त, इस तरह अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं किया करते। तुम तेज जरूर हो, मगर इतना घमंड अच्छा नहीं। याद है ना, पिछली बार इसी कछुए ने तुम्हें हराया था? बिल्कुल नहीं, वो तो सरासर धोखा था। मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, मुझे वो फैसला बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। तुम सो रहे थे तो इसमें तुम्हारी गलती है, वो दौड़ तो कछुआ ही जीता था। नहीं, बिल्कुल नहीं, दौड़ दोबारा होनी चाहिए और इस बार दौड़ का रास्ता मैं तय करूँगा। ठीक है दोस्त, हम फिर से दौड़ लगाएंगे। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, कल सुबह फिर से दौड़ होगी। और इस तरह से दूसरे दिन फिर से दौड़ शुरू हुई। इस बार खरगोश ने बड़ी ही चतुराई से पहाड़ियों वाला रास्ता चुन लिया था। वो तो आराम से ऊंची छलांगे मारता हुआ उन पहाड़ियों से निकल गया, मगर कछुए को चढ़ने में बड़ी ही दिक्कत आ रही थी। वो बार बार चढ़ता, फिसलता और गिर पड़ता, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो बड़े निश्चय के साथ चलता गया और चलता ही गया। इस तरह बड़ी ही मुश्किलों का सामना करते हुए कछुआ अंतिम मुकाम तक पहुंच ही गया, मगर इस बार वो ये दौड़ बुरी तरह से हार गया था। खरगोश अपनी जीत पर बड़ी खुशी से उछल रहा था। ये, मैं जीत गया। ये। बिल्कुल नहीं, मुकाबला बराबरी का हुआ, एक दौड़ तुम जीते और एक दौड़ कछुआ। सही कहा। बिल्कुल ठीक कहा अप्पू दादा ने, इसका मतलब है कि एक और दौड़ होनी चाहिए और इस बार जो जीतेगा वही अंतिम विजेता कहलाएगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, और इस बार दौड़ का रास्ता हम ही तय करेंगे।
खरगोश को ये बात माननी ही पड़ी। दूसरे दिन फिर दौड़ की शुरुआत हुई। अब तो जंगल के सभी प्राणियों को बड़ी उत्सुकता थी कि आखिरकार ये दौड़ कौन जीतेगा। बंदर ने बंदूक चलाई और दौड़ शुरू हुई। इस बार खरगोश ने कोई गलती नहीं की और वो तेजी से दौड़ता हुआ आगे चला गया। मगर थोड़ी दूर जाते ही एक बड़ी सी नदी ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे अब इस नदी को कैसे पार करूं? खरगोश ये सोच ही रहा था कि तभी कछुआ वहाँ आ पहुँचा। क्या हुआ दोस्त, तुम रुक क्यों गए? मुझे तैरना नहीं आता, मैं इस नदी को पार कैसे करूँ? बस इतनी सी बात? घबराओ मत दोस्त, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी के पार ले जाऊंगा। और इस तरह से नेक दिल कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और अपनी ही धुन में गाना गाते हुए वो नदी पार करने लगा। एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, जोदी तोरे दक्षिणे क्यों नाचे तोबे एकला चलो रे, जोदी तोरे दक्षिणे क्यों नाचे तोबे एकला चलो रे। मैं कितना बुरा हूँ, पिछली दौड़ में मैंने जानबूझकर पहाड़ियों वाला रास्ता चुना था ताकि ये कछुआ हार जाए, और आज जबकि इस नदी की वजह से मैं हार सकता था, ये कछुआ रेस दौड़ने में मेरी मदद कर रहा है, ये जानते हुए कि ऐसा करने से वो हार सकता है। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ। नदी पार करते ही वो कछुए से बोला, तुम बड़े ही नेक दिल हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त था, बस तुम ही इनकार कर रहे थे। दोनों ही हंसने लगते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। क्यों ना ये दौड़ हम दोनों साथ ही में जीते? हाँ, पर ये कैसे हो सकता है, तुम तो मुझसे तेज हो। क्यों नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ और इस तरह से हम ये दौड़ एक ही साथ जीत सकते हैं। क्या सचमुच? हाँ दोस्त, सचमुच। और इस तरह से खरगोश और कछुए की दोस्ती हो गई। वो दौड़ उन दोनों ने एक साथ ही पूरी की। सभी पशु पक्षियों में इस अनोखी दौड़ की बड़ी चर्चा हुई। उस दिन से खरगोश ने दूसरों को ताने मारना छोड़ दिया और वो सभी प्राणियों के साथ मिलजुल के रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।